अनुच्छेद 370 के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस किशन कौल उस वक्त चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने फैसले में अलग से अपनी राय रखी थी। इस पर अब खुद रिटायर्ड जस्टिस संजय किशन कौल ने खुलासा किया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो कुछ हुआ है वह कहीं न कहीं दर्ज रहे, उससे इनकार न किया जा सके। गौरतलब है संजय किशन कौल कश्मीरी पंडित हैं, उनके परदादा और दादा जम्मू कश्मीर रियासत में मंत्री रह चुके हैं। 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दौरान अपनी टिप्पणी के बारे में संजय किशन कौल ने लिखा कि केस से जुड़े कानूनी पहलुओं धारा 370 को हटाना और हटाने का तरीका सही था या नहीं, पर पीठ में शामिल सभी जजों की एक राय थी। मेरी जजमेंट अलग इसलिए थी कि शुरू में मैंने कश्मीर के इतिहास की जो जानकारी मुझे थी उसे जोड़कर लिखा और अंत में भी अलग से टिप्पणी लिखी। शुरुआती हिस्से में अपनी ओर से बातें इसलिए जोड़ी क्योंकि कश्मीरी होने के नाते मुझे वहां के इतिहास और स्थितियों के बारे में जानकारी है। कश्मीर के बारे में पूर्व जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि बंटवारे से प्रभावित लाखों परिवारों में से एक मेरा भी परिवार था। कश्मीर से 4.5 लाख लोग निकल गए और उनके लिए कुछ नहीं किया गया। मेरा स्पष्ट मानना है कि उनके लिए सही मायनों में कोई रात नहीं आई। उन्होंने अलग अलग जगह जाकर जिंदगी शुरू की, पर आदमी अपनी जड़ें बचाकर रखना चाहता है। अगर हालात ऐसे हुए कि वह वहां जाकर कुछ समय बिता सकता है तो उतना पुनर्वास का इंतजाम हो सकता है। आगे उन्होंने अपने फैसले के बारे में कहा कि मुझे लगा कि अमूमन आबादी इस बात के लिए तैयार है, पर सभी को रोजगार और जान की सुरक्षा चाहिए। पूरा राज्य पर्यटन पर निर्भर है। 2-3 साल में अच्छा पर्यटन हो रहा है, स्थिति बेहतर हुई है। मेरा लिखने का उद्देश्य यह था कि गलती माननी चाहिए, अगर इनकार करेंगे तो यह सही नहीं है, इसीलिए दर्ज करना जरूरी है कि गलत हुआ है। गौरतलब है पूर्व जस्टिस संजय किशन कौल ने अपने फैसले में लिखा था कि सरकार को एक आयोग बनवाकर जम्मू कश्मीर में हुए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सरकार को एक सुझाव है, अगर वह ऐसा करती है तो लोग जख्मों को बुलाकर आगे बढ़ सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।